हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग गाइस रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आज हम देखने वाले हैं व्यूवर्स, आपकी शादी किससे होने वाली है, कौन होगा वो भाग्यशाली जो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बनेगा। ओके व्यूवर्स, बनेगा या बनेगी ओके देख लीजिएगा। आज हम उसके बारे में जानेंगे, कौन होगा, कहाँ से होगा, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, प्रोफेशन क्या होगा, मैरिज लव होगी अरेंज होगी। ओके, तो आज हम ये सब कुछ देखने वाले हैं व्यूवर्स। तो एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी जोडिक साइन के लिए होने वाली, तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ क्लेम करना बिल्कुल ना भूले। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यूवर्स, यहाँ पे रीडिंग आपको अपने लिए सिलेक्ट करनी होगी। कैसे करनी है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, अदरवाइज तो आप देख के ही समझ चुके होंगे। अदरवाइज अगर आप इस तरह की रीडिंग लेते चले आए हैं, रीडिंग गाइस आपके लिए पाइल नंबर 1 है, एरियस लियो सैजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, राशि हिंदी में देख लीजिए, मेष सिंह धनु मिथुन तुला कुंभ राशि। ओके, अदरवाइज गाइस आप इस छोटे से क्यूट से बुद्धास के साथ भी जा सकते हो। ओके, प्यारे से हैं ये। पाइल नंबर 2 आपके लिए राशि है हमारे पास टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, हिंदी में देख लीजिए, वृषभ कन्या मकर कर्क वृश्चिक मीन राशि। ओके, अदरवाइज आप इनके साथ में जा सकते हैं, छोटे से प्यारे से, ये भी बुद्धा है। ओके, क्यूट से। ओके, टाइम स्टैंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो चलिए गाइस आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं, ये राशि के कार्ड्स हम यहाँ से हटा लेते हैं। ओके, देखते हैं आपका पर्सन कौन है वो जिससे आपका आपकी शादी होगी, आपका विवाह होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। वो पर्सन का नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसका वर्किंग क्या होगा, ओके, कहाँ से बिलोंग करता होगा, बहुत कुछ हम देखेंगे। अगर आप शफलिंग को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको रिलैक्स होके करना चाहती हूँ ताकि आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। ओके, पहला कार्ड गाइज आपके लिए निकल के आया है द वर्ल्ड का, आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड एंड गाइज टेम्परेंस। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड अस। ओके, फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, एम्परर एंड रिवर्स वी हैव। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड रिवर्स वी हैव थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो व्यूअर्स, आई होप आपको कार्ड अच्छे से नजर आ रहे होंगे। गाइज देखिए, सबसे पहले मुझे ये नजर आ रहा है कि आपका जो पर्सन होगा थोड़ा सा गाइज वो फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होंगे। ओके, राशि भी गाइज उनकी यही रिफ्लेक्ट कर रही है। राशि मैं आपको बता देती हूँ आपके पर्सन की क्या हो सकती है, एरीज लियो सेजिटेरियस ये राशि हो सकती है आपके पर्सन की, जैमनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, तो ये राशि निकल के आई है आपके पर्सन की हो सकती है। ओके, आपके पर्सन को घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, हो सकता है आपके पर्सन गाइस काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हो, उनका कोई वर्किंग ऐसा हो कि वो ट्रैवलिंग करते हो अपने काम में बहुत ज़्यादा, उनको बाहर जाना ना पड़ता है। हो सकता है कि आपके पर्सन फॉरेन ट्रैवल करके भी आ चुके हों। ओके, या ट्रैवल करेंगे वो जब आपकी शादी उनसे होगी, जैसा भी होगा, लेकिन एक बार फॉरेन ट्रैवल आपके पर्सन की लाइफ में नज़र आ रहा है। ओके, अपने करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है इनकी लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल भी है। स्ट्रगल के साथ साथ इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और करेंगे भी। स्ट्रगलिंग पर्सन है, कभी हार ना मानने वाली इनके अंदर स्पिरिट है, हमेशा एफर्ट्स लगाते रहते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया है और करेंगे भी, यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन समटाइम गाइज अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में रहते हैं। कन्फ्यूज़न गाइज ये नहीं है कि इनको वैसी कन्फ्यूज़न है गाइज, इनको हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, हर वक्त इनको कुछ ना कुछ चाहिए, लाइफ में हर समय अचीव करना चाहते हैं गाइज, इसीलिए इनकी लाइफ टाइम इनकी लाइफ में सक्सेस भी नज़र आ रही है, साथ ही साथ स्ट्रगल भी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं हमेशा ही अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हमेशा करते ही रहेंगे, कुछ नया करना है, हर बार एक नया गोल बनाना है, उनको अचीव करना है, तो गोल ओरिएंटेड ये पर्सन है, कभी थक के हार के बैठने वाले पर्सन ये नहीं है।
अगर आपकी फीमेल से शादी होती है, अगर आप मेल हैं और आपकी फीमेल है, तो गाइज वो भी इसी तरह की नेचर की होंगी कि वो लाइफ में शादी होने के बाद भी अपने करियर को परस्यू करेंगी, उनको अपने करियर को बनाने का उनके अंदर जुनून होगा, जज्बा होगा, और उसको कहीं ना कहीं वो पूरा भी करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो गाइज ये आपके पर्सन की एक यहाँ पे करेक्टरिस्टिक में देख सकती हूँ, उनको पहाड़ों पे घूमना बहुत पसंद होगा, पहाड़ों पे और वाटर पे, ठीक है, नदी वगैरह पे, जैसे कि हम लोग राफ्टिंग वगैरह होती है ना, कुछ इस तरह का इनको एडवेंचर बहुत पसंद हो सकता है। आपके पर्सन को पहाड़ों पे घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, आपके पर्सन को वो यहाँ पे नजर आ रहा है। रोमांटिक भी होंगे लेकिन ये एक बैलेंस फॉर्म में होंगे, ठीक है, तो बैलेंसिंग फॉर्म यहाँ पे नजर आ रही है कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे और बहुत ज्यादा रूड होंगे, दोनों को बैलेंस करके चलेंगे रिलेशनशिप के अंदर। जहाँ पे प्यार दिखाना वहाँ प्यार दिखाएंगे, जहाँ पे केयर करनी है वहाँ केयर दिखाएंगे, जहाँ पे कंट्रोल करना है वहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की चलने वाली है लाइफ टाइम, ये चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपको आपके पर्सन से सपोर्ट भी मिलेगा, आपके पर्सन सपोर्ट में भी खड़े रहेंगे। कुछ गाइज आपके पर्सन शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, इनको गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि इनका नेचर कुछ ऐसा बताता है कि इनको गुस्सा भी आता होगा या आएगा। लाइफ टाइम इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा, जब लोग इनकी बातें नहीं सुनेंगे या इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे, इनकी बातों को मतलब एक कैजुअल वे में लेके इग्नोर कर देंगे, इनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो ये मतलब गुस्से में भी आ जाएंगे और इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं परिवार में छोटी मोटी बहस भी हो सकती है। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं इनका कहीं ना कहीं। गाइज इनके जो आसपास के लोग हैं उनके साथ में इनके छोटा मोटा कहासुनी हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, कभी भी ये मैनिपुलेटिव टाइप की बातें नहीं करते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। जब लोग इनके साथ में इस तरह के जुड़ते हैं जो मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जो अपनी बात कहीं ना कहीं सही साबित करने के लिए इनके सामने अड़ जाते हैं, तो ये भी कम नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, ये भी पूरा का पूरा अपना अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखाते हैं। इनकी लाइफ में गाइज कंपटीशन भी नज़र आ रहा, हो सकता है आपके पर्सन गाइज गवर्नमेंट जॉब में हो, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बड़ी पावरफुल पोजीशन पे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ले गाइज यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपसे एज में बड़े होंगे, हो सकता है एज का डिफरेंस मे बी मोर देन 5 to 6 ईयर से भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका पर्सन इस तरह के नेचर का है तो ज़रूर हो सकता है। ओके व्यूअर्स, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी किया है और लाइफ में गाइज स्ट्रगल के साथ साथ बहुत अचीव भी किया है। ये गाइज यहाँ पे चीज़ें हैं, सेक्रीफाइस भी कर देते हैं ये पर्सन दूसरों की खुशी के लिए, समटाइम ऐसा भी आता है कि इनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर उठाना भी पड़ता है। घर के बड़े हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, घर की बड़ी बेटी या बड़े बेटे ही हो सकते हैं, तो इनके पास जिम्मेदारियां भी हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभाते भी हैं, और समटाइम गाइज जिम्मेदारियों के चक्कर में अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें या अपने कुछ पर्सनल जो इनकी उनको लाइफ में चाहिए होता है उसे ही सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन हाँ एक दो बार इन्हें लगता है कि यार हमेशा मुझे ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पर ऐसा क्यों, लेकिन गाइज ये पीछे भी नहीं हटते अपने परिवार की खुशी के लिए, ये वो भी कर जाते हैं क्योंकि इनको परिवार अपना बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। लाइफ टाइम गाइज ये अपने परिवार को हो सकता है, ज्वाइंट फैमिली में भी आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी इनकी, लेकिन ये हमेशा यही चाहेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो ये अब चाहेंगे कि आप इनके माता पिता की मतलब उनको मतलब साथ में लेके चलें, फैमिली टाइप के पर्सन है बेसिकली, तो ये फैमिली को साथ में लेके चलने वाले हैं, इसलिए गाइज इस तरह का नेचर नज़र आ रहा है। अगर आप मेल हैं और आपकी फीमेल है तो गाइज वो भी कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्टिव नज़र आएंगी, फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके, लेकिन जब लोग इनके अगेंस्ट में जाएंगे, फैमिली को इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो ये नेचर से अपने बाहर भी जा सकते हैं। ओके व्यूअर्स, एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, करियर को लेके गाइज ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सपने बहुत बड़े हैं आपके पर्सन के, बहुत बड़े सपने हैं, बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हैं। सेल्फ का बिजनेस भी हो सकता है गाइज आपके पर्सन का, हो सकता है आपके पर्सन गाइज अपना खुद का बिजनेस करें, या मतलब फीमेल है तो शादी के बाद करेंगी कुछ ना कुछ, अगर वो मेल है तो हो सकता है उनका कुछ अपना ही एम्पायर हो, कुछ बिजनेस उन्होंने एस्टैब्लिश करा हुआ हो। कुछ गाइज आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं समटाइम, क्योंकि गाइज ये परिवार को लेके जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं ना, तो इनके अंदर ये एक फीलिंग सॉफ्ट हार्टेड फीलिंग भी रहती है। ओके, वैसे गाइज आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा केयरिंग एंड सपोर्टिंग भी नज़र आ रहे हैं, कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपकी शादी के बाद में सपोर्ट बहुत करेंगे, आपको समझेंगे, बस उनको समझना चाहिए, बस इनको ये चाहिए कि आप उनको वो एक अलग सा ही कहते हैं ना, एक किसी की ज़्यादा तारीफें कर दो, ठीक है, या उसको अप्रिशिएट कर दो, तो ये अप्रिसिएशन चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते, इनके कामों के बदले इनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ओके, कुछ गाइज आपके पर्सन हो सकता है
ओके हाँ गाइस, कुछ आपके पर्सन गाइस यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन गाइस हो सकता है किसी छोटे मोटे उससे शहर से भी बिलोंग करते हो, छोटे मोटे गाइस यहाँ पे, क्योंकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, तो छोटे शहर से निकल के ये बड़े शहर में आए होंगे। यहाँ पे गाइस ये चीजें नजर हैं, लेकिन गाइस जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल लिखा हुआ है या बड़ा ट्रैवल लिखा हुआ है। फॉरेन नहीं होगा तो बड़ा ट्रैवल जरूर होगा, और जिसकी वजह से इनकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत रैपिडली ट्रांसफॉर्म होगी। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। ओके लेट्स सी, कुछ और भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल हेल्प करिए। हाँ ओके व्यूवर्स, मैं कुछ नए कार्ड्स निकालने से पहले आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ, ये आपके पर्सन के नंबर्स हो सकते हैं। ओके आपके पर्सन गाइज 21, उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 6 14 5 1। 1 की एनर्जी गाइज बहुत ज़्यादा है, 4 की एनर्जी है 12, ओके 13 की एनर्जी है व्यूवर्स, वी हैव 13 and 11 and 12, ओके 7 and 3 की एनर्जी है। ओके व्यूवर्स, अब देखते हैं कुछ और भी, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके 9 of Wands, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 of Pentacles, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड व्यूवर्स वी हैव हर्मिट। ओके व्यूवर्स, तो गाइज यहाँ पे एक एनर्जी गाइज ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके पर्सन गाइज देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, जस्ट लाइक कि अगर आप इन्हें एक बार देख लेंगे तो आपका दिल इन्हें बार बार इनसे बात करने का करेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें गाइज यहाँ पे हैं कि ये अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, बिल्कुल मतलब एकदम फिट एंड फाइंड, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाले, जिम जाने वाले पर्सन होंगे। ओके तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा लेके कॉन्शियस है, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं पर्सन। कहीं बाहर जाएंगे तो बिना मतलब अपने आप को ढंग से ड्रेसअप किए बिना, या वैसे भी नहीं जाएंगे, घर में भी रहेंगे तो भी ड्रेसअप होकर रहेंगे ये पर्सन। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है, ये नहीं है कि मतलब ऐसी लोअर और उसमें टी शर्ट में घूम लिए, क्योंकि आजकल तो फीमेल भी ऐसा करती हैं। ओके तो ये चीजें गाइज यहाँ पे हैं कि आपके पर्सन हमेशा अपने आप को वेल मेंटेन वेल ड्रेसअप रखेंगे, ताकि घर में कोई भी कभी भी आए, ये हमेशा रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ओके व्यूवर्स, कहीं ना कहीं गाइज ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन गाइज अपने घर में आने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा मतलब ये तो नहीं कहूंगी गाइज ये बहुत ज्यादा उनके लिए, जैसे कि होता ना कोई एकदम से उनके बहुत ज्यादा केयर करने लगता है, लेकिन हाँ मान सम्मान करने में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हाँ एक लेवल तक रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अपने काम से काम ज्यादा रखते हैं आपके पर्सन। ओके तो वो चीज़ें गाइज यहाँ पे हैं, इनको कहीं ना कहीं गाइज अकेलापन इनको लगता भी है समटाइम, ये अपनी लाइफ में अकेलापन भी चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि स्ट्रगल भी किया आपके पर्सन ने गाइज, स्ट्रगल के बेस पे इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, ये अचीव करेंगे भी, और लाइफ टाइम इनकी लाइफ में गोल्स रहेंगे, तो ये स्ट्रगल इनकी लाइफ में चलता रहेगा। तो कभी कभी गाइज इनको ऐसा भी फील होगा कि ये लाइफ में अकेले हैं, क्योंकि किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अपने गोल हैं, अपने एम्बिशन हैं, उनको लेके ये लाइफ में हर समय कहीं ना कहीं सोचते भी रह सकते हैं। पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है ये पर्सन, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा गाइज ये सोच समझ के खर्च करने वाले हैं, ऐसे इधर उधर खर्च नहीं कर देते हैं। ओके तो पैसा इन्वेस्ट करना इनको बहुत अच्छा लगता है, पैसा अर्न करना इनको बहुत अच्छा लगता है खर्च करने के मुकाबले, थोड़े से गाइज इस तरह के नेचर इनका पर्सन का नज़र आ रहा है। ओके गाइज आपके पर्सन का अगर मैं देखूं तो यस, हमेशा फ्यूचर को लेके या फिर लाइफ में सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा आपके पर्सन हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, सेफर साइड खेलना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लाइफ के अंदर। तो गाइज ये पर्सन की आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। गाइज कुछ मैं यहाँ पे प्रोफेशन की बात कर लेती हूँ, तो व्यूवर्स आपके प्रोफेशन आपके पर्सन के हो सकते हैं कि एक तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करने वाले होंगे, हायर पोजीशन होंगे इनकी, ये कहीं ना कहीं देखो गाइस गवर्नमेंट जॉब नज़र आ रही है या हायर जॉब नज़र आ रही है, अपना बिजनेस करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी के नीचे काम करने वालों में से नहीं है, खुद के बॉस खुद वाली एनर्जी है। गवर्नमेंट जॉब में भी यही होता है कि आप अपने अपने राजा खुद होते हो, और अपना अगर बिजनेस करने वाले हो या किसी हायर पोस्ट पे हो तो वहाँ पे भी राजा बन के राज करते हो। तो यहाँ पे गाइस ये एनर्जी आपके पर्सन की है कि हमेशा चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, राजा बन के ही काम करेंगे, राजा बन के ही लाइफ भर ये जिएंगे। ओके राजा या रानी जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफी गाइज ये जो पर्सन है आपके, ये गाइज एक रूटीन में रहने वाले हैं। यहाँ पे एक तो ये चीज नजर आ रही है गाइज, ये जो पर्सन है आपके बिजनेसमैन हो सकते हैं, बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं। गाइज आपके पर्सन यहाँ पे ये नजर आ रहा है किसी, हो सकता है पॉलिटिशियन से बिलोंग करते हो आपके पर्सन, पॉलिटिक्स वगैरह से। ओके गाइज तो ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे,
कुछ लोग ले गाइज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है, मैनेजर हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे काम करने वाले आपके पर्सन हो सकते हैं व्यूवर्स, तो यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है। ओके गाइज, कुछ लोग ले गाइज यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन हीलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, हीलिंग वगैरह से रिलेटेड है ना, जो स्पिरिचुअल जो इस तरह का भी हो सकता है, कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क करते हो, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो भी होगा कुछ इन चीजों से भी रिलेटेड करता होगा, काउंसलिंग हो सकती है, टीचर हो सकते हैं ये। ओके या फिर हो सकता है कोई कुछ यूट्यूब वगैरह पे भी ये अपना स्टार्ट करें, आपकी अगर फीमेल है तो इस तरह का स्टार्ट कर सकती है, अगर मेल है तो वो भी आजकल करते हैं तो बहुत अच्छा ये कहीं ना कहीं है तो उनको अच्छा भी लगता है। एडवाइज़र बहुत अच्छे हैं आपके पर्सन, फैमिली हो सकता है गाइज ये कोर्ट में एडवाइज़र हो आपके पर्सन, ओके जो काउंसलिंग वगैरह करते हैं ना वो भी हो सकते हैं। खुद का कारोबार हो सकता है इनका, जैसे ये खुद का बिजनेस है तो कोई शॉप हो सकती है इनकी, कोई बिजनेस वगैरह हो सकता है वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके तो बहुत सारे गाइज यहाँ पे चीजें ऐसी हैं जो आपके पर्सन कर सकते हैं। म्यूजिक वगैरह गाइज इनको पसंद है, सॉफ्ट म्यूजिक आपके पर्सन को, तो हो सकता कुछ म्यूजिक वगैरह वाली एनर्जी लेके चल रहे हैं, कुछ तरह के काम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके तो गाइज ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। ओके गाइज चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ, जो आपके पर्सन होंगे ये आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। ओके सो प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिएगा, प्लीज प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए। ओके ओके वी हैव थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके नाइट ऑफ कप्स एंड द डेविल, ओके सेवन ऑफ सोर्ड एंड व्यूअर्स वी हैव किंग ऑफ कप्स अगेन एंड किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके व्यूअर्स, कुछ लोगों के पर्सन गाइज लॉयर भी हो सकते हैं, वकील लॉयर वगैरह, ओके टीचर वगैरह जैसे कि मैंने आपसे बोला था वो भी हो सकते हैं, इस तरह की फील्ड से कॉरिलेट हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ गाइज यहाँ पे हो सकता है कोई आपके पर्सन गाइज पुलिस वाले भी हो सकते हैं, ओके तो पुलिस फील्ड से भी हो सकते हैं या फिर मिलिट्री वगैरह से हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। हाजिर जवाब बहुत है आपके पर्सन, मतलब टू इनके इनको कोई भी क्वेश्चन पूछो इनके पास उसका आंसर रहता है, या फिर कोई भी लाइफ में कुछ भी अगर आप इनके सामने कोई बात करते हो तो तुरंत ही उसका आंसर देने वाले पर्सन होंगे। मैनिपुलेटिव टाइप की इनके पर्सनालिटी। इन गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन गाइज आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं ये अरेंज मैरिज होगी इस पर्सन के साथ में, ओके लेकिन ये अरेंज मैरिज गाइज आपकी लव मैरिज में बदल जाएगी, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन को जैसे ही देखेंगे आपकी तरफ आप इनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील करेंगे, तो देखने में बहुत ज्यादा चार्मिंग अट्रैक्टिव हैं, तो ये लव मैरिज अरेंज मैरिज लव मैरिज में कब बदल जाएगी आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। फैमिली के उससे शादी होगी, फैमिली करवाएंगे इस शादी को, बहुत धूमधाम से शादी होने वाली है ये। ओके तो जिन लोगों को गाइज इस तरह की आप एनर्जी लेके चल रहे हैं और आपके साथ में कुछ ऐसा अगर आपको फील होता है तो गाइज ये एनर्जी आप ही के लिए है, लेकिन गाइज कहीं ना कहीं ये रीडिंग यही बताती है आपके लिए पाइल नंबर वन कि आपकी जो मैरिज होगी वो अरेंज होगी। हो सकता है आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं अटैच हो या आपके साथ में इसके साथ में आपका चल रहा हो, लेकिन गाइज ये होगी अरेंज मैरिज, ये यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट है। ओके सो व्यूवर्स चलिए मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आपकी मैरिज कब तक होगी। ओके व्यूवर्स टाइमिंग भी देख लेते हैं, सो प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए बताइए। एक सेकेंड प्लीज डिवाइन गाइड करिए। वन मोर टाइम प्लीज। ओके सो लेट्स सी देखते हैं आपकी शादी कब होगी। 30 की गाइज यहाँ पे डेट एक निकल के आई है, ओके जनवरी 30 जनवरी की गाइज यहाँ पे डेट है डिवाइन की तरफ से। एंड टू मे बी हो सकता है आने वाले 2 सालों में आपकी इस पर्सन से शादी हो जाए। ओके व्यूअर्स यस बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 2 ईयर्स है, तो आने वाले 2 सालों में इस पर्सन से आपकी शादी यहाँ पे हो जाएगी। 30 जनवरी की डेट है यहाँ पे, यानी जनवरी का महीना कहीं ना कहीं गाइज आपकी शादी करवा देगा। ओके व्यूअर्स तो ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूअर्स की है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। सो चलिए व्यूअर्स मिलते हैं नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो गाइस चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। जिनकी भी राशि वृषभ कन्या मकर कर्क वृश्चिक मीन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस राशि है, तो चलिए आप रीडिंग हम आपकी स्टार्ट करते हैं। ओके ये कार्ड्स में यहाँ से हटा लेती हूँ क्योंकि ये आपकी राशि अभी आपके पार्टनर की हम देखेंगे। ओके सो प्लीज डिवाइन गाइड करिएगा गाइस।
कार्ड्स निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत ही इत्मीनान से रीडिंग होने वाली है। अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप करके सीधे रीडिंग पे जाके देख सकते हैं, ओके। क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करिए व्यूवर्स के लिए। पाइल नंबर टू, कि शादी किससे होगी, कौन होगा वो पर्सन जिससे इनकी शादी होगी, किस नेचर का होगा, क्या काम करता होगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करिए, ओके। सो लेट्स सी व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करिए। पाइल नंबर टू, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ओके। एंड व्यूअर्स वी हैव हाई प्रेस्टेस, ओके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करिए, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोर्ड, ओके, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके, एंड दी टेम्परेंस, ओके व्यूअर्स। तो ये एनर्जी निकल के आई है, प्लीज डिवाइन हेल्प अस गाइड अस, प्लीज डिवाइन हेल्प अस गाइड अस, ओके। टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, एंड व्यूअर्स वी हैव हैरी ऑफ पेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है, देखो भाई शादी की बात हो रही है, शादी का कार्ड आ गया है, ओके ओके व्यूवर्स। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। आपके पर्सन की गाइस करेक्टरिस्टिक सबसे पहले तो ये नज़र आ रही है, आपके पर्सन गाइस मनी को लेके, अपनी लाइफ में सेटलमेंट को लेके, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है आपके पर्सन, ओके। स्ट्रेट माइंडेड है, बिल्कुल फोकस रहने वाले पर्सन है, इधर उधर की बातों में फंसने वाले पर्सन नहीं है। जो भी कहते हैं साफ कहते हैं, जो छुपाना वो छुपा भी लेते हैं। अगर आप इनसे चाहें कि आप इनके दिल की बात उगलवा लेंगे, इनसे कुछ जान लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। इनका नेचर कुछ ऐसा ही बताता है, थोड़े सीक्रेटिव टाइप के नेचर हैं इन आपके पर्सन के। कुछ बताते हैं, कुछ छुपा लेते हैं, जितना ज़रूरी इनको लगता है ना बताना है उतना ही बताते हैं। एक्स्ट्रा ये ओवर बोलने वाले नहीं है ये पर्सन, ठीक है, टू द पॉइंट बोलने वाले हैं, बहुत कमी के साथ में बोलने वाले हैं। लेकिन यस, मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा है, अपनी बातों में कैसे सामने वाले को उलझाना है, कैसे फंसाना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। तो इनके सामने जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि ये आपसे आपकी बातें जान लेंगे लेकिन अपनी ही बातें नहीं बताएंगे आपको, ओके। तो ये नेचर आपके पर्सन का यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं गाइस पैसे कमाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, पैसे कमाने में इनका बहुत ध्यान है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। फैमिली को एक बड़ा घर हो, एक लाइफ अच्छी लग्जीरियस लाइफ हो, अच्छे से रहन सहन हो, परिवार में अच्छा खासा पैसा हो, तो पैसे को लेके कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, ओके व्यूअर्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ गाइज आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके पर्सन गाइज गुस्से वाले भी हैं, ओके व्यूअर्स। तो शांत, जहाँ पे शांत रहना वहाँ शांत रहते हैं, जहाँ पे गुस्सा करना वहाँ गुस्सा भी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त करते हैं, फिर इन्हें कोई संभाल नहीं सकता। जब तक शांत है तब तक शांत है, और जब इनको गुस्सा आया फिर किसी के बस की बात नहीं जो इनको रोक ले। तो ये गाइज यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं गाइज एक पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में दोनों ही तरह से काम कर रही है ये एनर्जी। ये अपने परिवार को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अपने परिवार को लेके प्रोटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन गाइज अपने परिवार पे जब कोई बात आती है ना तो इतने ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, फिर इनको सामने वाला पर्सन नहीं संभाल सकता। तो फैमिली प्रोटेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इनकी कहीं ना कहीं, इसी वजह से गाइज इनका जो नेचर रहता है ना ये थोड़ा सा गुस्से वाला, तो हो सकता है गाइज इनके लाइफ में इनके जो आसपास के लोग रहते हैं, इनके परिवार भर रहते हैं, इस नेचर से इनके कहीं ना कहीं वो दुखी रहते हैं, ये भी नज़र आ रहा है, ओके। तो उनको ये लगता है यार ये बच्चा हमारा या फिर जो भी है हमारा बच्चा ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, इसका गुस्सा कैसे शांत किया जाए। और उनको ये लगता है कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा तो वही होगा जो इनका गुस्सा शांत कर लेगा, तो जो एक कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस लाने का काम करेगा और इसलिए इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं सही कर देगा, इनके गुस्से को शांत कर लेगा। तो इनके परिवार वालों को भी ये उम्मीद है कहीं ना कहीं कि आप इनकी लाइफ में जब आएंगे तो ये पर्सन का नेचर कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, ओके। तो गाइज ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन गाइज इमोशनल भी है, ऐसा नहीं है कि किसी की भावनाओं को नहीं समझते हैं, भावनाओं को भी समझते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ओके। हो सकता है गाइज आपके पर्सन के साथ में आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन का या तो कनेक्शन में वो आप उनके साथ में हो या किसी का रिश्ता आपके साथ आपके लिए आया होगा, ऑफर आया होगा, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी इनके परिवार वालों ने या आपके परिवार वालों ने किसी ने मतलब इस तरह से आपको मिलवाया है या आई थिंक
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शादी का कार्ड निकल के आ चुका है। यहाँ इसका मतलब यही है गाइस, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को या तो जानते हो पहले से, या इसके इसका ऑफर आपके पास आ चुका है। ओके, आपका पर्सन गाइस अकाउंटेंट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, टीचर हो सकता है। ओके व्यूअर्स, कहीं ना कहीं गाइज ये इंडिपेंडेंटली वर्क करने वाले हो सकते हैं, लीडर मतलब लीड करने वाला काम होगा इनका, लोगों को लीड करना, काउंसलिंग करना, झगड़े सुलझाना। तो झगड़े सुलझाने में भी एक्सपर्ट है ये, ठीक है, झगड़े करवाने में एक्सपर्ट है तो सुलझाने में भी एक्सपर्ट है। तो उनको हर दोनों ही तरह की एनर्जी है इनके पास में। तो हो सकता है गाइज ये जो वकील वगैरह जो लोग होते हैं ना, तो झगड़े करवा भी देते, सुलझा भी देते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको करवाना होता है वो सब चीज़ें अपने हिसाब से ही कर लेते हैं। तो वो चीज़ें गाइज यहाँ पे नजर आ रही है आपके पर्सन गाइस, कहीं ना कहीं हो सकता है कि हाँ व्यूवर्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन गाइस हो सकता है प्रोफेशन हो या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में वर्क करते हो जहाँ पे इनको बोलना बहुत पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ आपके साथ में, रीडिंग करती हूँ, मैं बोलती हूँ आप सुनते हो, तो आपके पर्सन भी गाइस वो बोलते हैं और लोग सुनते हैं, तो ये एनर्जी हो सकती है। ओके, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं गाइज एक प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा हैं और लीडर हो सकते हैं, बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है बैंक में काम करते हो आपके पर्सन, बिजनेसमैन हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं किसी फील्ड में, या अपना खुद का काम करने वाले हो सकते हैं। ओके, खुद का अगर बिजनेस होगा उसमें भी इनको कहीं ना कहीं बोलना बहुत पड़ता होगा या फिर लोगों को बताना पड़ता होगा तुम ये काम करो तुम वो काम करो, क्योंकि गाइज इनकी एनर्जी ये बता रही है कि ये वर्कर नहीं है, मतलब लोगों के नीचे काम करने वाले नहीं है, लोग इनके नीचे काम करते हैं, इनके ऊपर हो सकता है कुछ बॉस हो सकते हैं, पर ये भी एक बॉस वाली पोजिशन लिए हुए हैं ये आपके पर्सन। ओके, तो अगर इनकी खुद की शॉप भी है तो ये बॉस है वहाँ पे भी। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है आपके पर्सन गाइस एक बैलेंस पर्सन है, इमोशनल को लेके बहुत ज्यादा बैलेंस रखते हैं, ये चीजें गाइस नजर आ रही है। स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा आपके पर्सन, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा पूजा पाठ बहुत करते हैं, या फिर अगर आपके पर्सन दूसरे धर्म से जैसे कि मुस्लिम धर्म से हैं या फिर क्रिश्चियन धर्म से हैं या फिर सिख ईसाई धर्म से हैं जैसे भी हैं, तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है, पाठ वगैरह करना इस तरह से जो भी करना, प्रेयर वगैरह करना इनको बहुत अच्छा लगता है, डेली रूटीन पे मंदिर मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना अपना कभी इग्नोर नहीं करते हैं, जब भी टाइम मिलता है या फिर इनका जो भी रूटीन है रूटीन को फॉलो करने वाले आपके पर्सन है, चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन इनके इन लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही हैं आपके पर्सन गाइज, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, डिवाइन को कभी नहीं इग्नोर करते लाइफ में, जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। इनका घर परिवार भी काफ़ी अच्छा है गाइज, बना हुआ रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन, ये नहीं कि छोटा मोटा घर है इनका, अच्छा खासा पैसा है इनके पास में, रिच फैमिली है इनकी, फैमिली में मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली तो नहीं है लेकिन हाँ जिसमें हो सकता है इनके दादा या दादी भी इस समय हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे नजर आ रही है, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, ये भी हैं, तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे हैंगे। हो सकता है व्यूवर्स आपके पर्सन इन सम वेयर अपने घर के इकलौते भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर बहन है तो वो शादी होकर आई थिंक चली जाएगी और ये अपने घर में फिर अकेले सिंगल रह जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको इनके साथ में सिंगल रहना पड़े, या हो सकता है अपने घर की ये सिंगल बेटी हो, तो ये भी गाइज यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, कुछ राशि की मैं बात कर लेती हूँ गाइज आपके पर्सन की, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन राशि है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सेजिटेरियस, तो गाइज ये राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की निकल के आई है। ओके, आपके पर्सन का गाइज कोई गुरु भी हो सकता है जिसके पास ये रेगुलर बेसिस पे जाके कुछ ना कुछ पूछते गछते रहते हो, ये गुरु वाला काम करते हो, ठीक है गाइज। तो ये चीजें हैं आपके पर्सन की लाइफ के अंदर। कुछ और कार्ड्स देखते हैं, कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ कार्ड्स निकालने से पहले। ओके, 7 आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 1 1 11 हो सकती है। ओके, 14 5 2 4 8 14 की एनर्जी गाइज अगेन है, 10 तो गाइज ये एनर्जी है। ओके, देखते हैं और क्या निकल के आता है। कहीं ना कहीं गाइज आपके पर्सन एक शहरी पर्सन नजर आ रहे हैं, जैसे शहर से बिलोंग करते हैं और ये इनकी जो एक बर्थ हुई है वो भी शहर में ही हुई है, तो शहर वाली एनर्जी है। हो सकता है इनके पेरेंट्स गांव से बिलोंग करते हों किसी लेकिन वो भी किसी ये नहीं बिल्कुल देहात वाले गांव से बिलोंग करते हो, सही ठीक ठाक गांव है जहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन इनका जो बर्थ हुआ है वो शहर में ही हुआ है। ओके, द मून की एनर्जी है व्यूअर्स। ओके, 9 ऑफ कॉइंस, मैंने कहा पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, वही एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। हैंग मैन की एनर्जी है व्यूअर्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड,
एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड व्यूवर्स नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके व्यूवर्स, आई थिंक गाइस ये एनर्जी, गाइस ये एनर्जी भी यही दिखाती है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ हो सकता है। आप इस पर्सन को जैसे कि गाइस पहले से जानते, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पहले रिफ्लेक्ट की थी, हो सकता है आपके साथ में इसका नो कॉन्टेक्ट चल रहा है आपके पर्सन का, और आपको लग रहा है पता नहीं इससे मेरी शादी होगी नहीं होगी, ये थॉट्स हो सकता है आपके माइंड के अंदर। क्योंकि ये मुझे ये फील हुआ था शुरुआती जब रीडिंग में स्टार्ट करी थी कि मुझे लग रहा था कि आप इस पर्सन को जानते हैं या ऑलरेडी इस पर्सन के पास आपका ऑफर आया था। हो सकता है अभी कुछ बातों से ये ऑफर कहीं ना कहीं पॉज हो गया, रुक गया है। लेकिन गाइज डोंट वरी, अगर ये ऑफर आपके पास आया है, इस तरह से रिलेशनशिप आपका चल रहा है और पॉज आ गया है किसी और की वजह से, ठीक है, किसी भी बातों की वजह से। हो सकता है गाइज इनकी मदर जो है वो पैसे को लेकर थोड़ी सी ओरिएंटेड हो सकती हैं, मदर है या घर में जो भी है, तो ये चीजें गाइज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप इस पर्सन से इसी वजह से टूट गया हो या फिर आगे नहीं बढ़ पाया हो, या आपकी इनकी मदर की वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पॉज हो गया, या कोई और पर्सन हो आपकी लाइफ में। डोंट वरी गाइज, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, एट ऑफ सोर्ड की गाइज एनर्जी हमारे पास, कहीं ना कहीं गाइज इस रिलेशनशिप में बाउंडेशन तो है, लेकिन गाइज आपका पर्सन अगर अभी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है तो आने वाले समय में एक्शन लेगा। अभी तो गाइज इस रिलेशनशिप में नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं देखो पॉज तो आ गया है। आपका पर्सन भी गाइज आपसे दूर होके खुश नहीं है, अलग होके वो भी खुश नहीं है, वो भी इस रिलेशनशिप के बारे में अभी भी सोच रहे हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पे एक लव एनर्जी तो बहुत ज्यादा मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं इसको जानते बहुत अच्छी तरह से हैं। ओके, तो गाइज ये एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, प्लीज डिवाइन बताइए। ओके व्यूवर्स, यस गाइज टावर मोमेंट है हमारे पास, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है, ये चीजें यहाँ पे बता रही हैं। ओके, तो गाइज डोंट वरी, देखो ये आपके पार्टनर के लिए एनर्जी निकल के आई है। ओके, अगर पार्टनर के लिए निकल के आई तो डेफिनेटली गाइज हमारे पास शादी का भी कार्ड था यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ओके, तो शादी तो आपकी किस पर्सन से हो जाएगी यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं। ओके, लेकिन थोड़ी यहाँ दिक्कतें जरूर हैं, पर हाँ हार्डवर्क है, थोड़ा हार्डवर्क, थोड़ा नहीं बहुत हार्डवर्क है, लेकिन हाँ सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगी। यहाँ पे सन की एनर्जी है, सक्सेस मिल जाएगी आपका पर्सन के साथ में, आपकी शादी हो जाएगी। लव मैरिज की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन लव मैरिज में स्ट्रगल भी है। टू वेंड्स की एनर्जी गाइज अगेन हमारे पास है, तो लव मैरिज होगी आपकी, यहाँ पे एनर्जी बता रही है थोड़ा स्ट्रगल जरूर है। नो कॉन्टेक्ट भी चला है, टावर मोमेंट भी आया है, रिलेशनशिप टूटा भी है, हो सकता है रिश्ता कहीं ना कहीं रिवर्स हो गया हो, लेकिन डोंट वरी, ये रिश्ता जो भी है आपका ये जुड़ जाएगा इस पर्सन के साथ में, क्योंकि यहाँ डिवाइन एनर्जी ने ये बताया आपको। ओके, सो व्यूअर्स चलिए देख लेते हैं आपकी शादी अब कब तक होगी। ओके, काम भी आपको मैंने बता दिया, नेचर भी मैंने आपको बता दिया, प्लेस भी मैंने आपको बता दिया, लेट्स सी अब डिवाइन आपको क्या टाइम देते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए इनकी शादी इनके पर्सन से कब होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। सो प्लीज़ डिवाइन व्यूअर्स की हेल्प करिए। ओके व्यूअर्स, लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प अस। कंग्रेचुलेशन व्यूअर्स, नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो जाएगी। ओके, 2023 के अंदर नेक्स्ट ईयर वही है आपके लिए। डेट देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए। 31, ओके, डेट भी आ गई है, मंथ बता दीजिए प्लीज़ डिवाइन एंजल। दिसंबर, ओके, तो व्यूवर्स आपके लिए 31 दिसंबर की डेट आई है नेक्स्ट ईयर की। ओके, या हो सकता है व्यूवर्स देख लीजिए भाई अपने हिसाब से। ओके, एक कार्ड और है व्यूवर्स आपके लिए, जून का महीना है यहाँ पे। ओके, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे शादी तो आपके लिए आ चुकी है, नेक्स्ट ईयर की एनर्जी भी आ चुकी है, डेट भी निकल के आ चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और गाइज अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।